इंटरेस्टिंग कार वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फोटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। Hey guys, welcome to another cheap DIY modification video. और आज के वीडियो में मेरे पास है रेसिंग स्ट्राइप्स जिनको हम अपनी गाड़ी पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रेसिंग स्ट्राइप्स मैंने मंगाई हैं ऑनलाइन और इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये रेसिंग स्ट्राइप्स एक टाइप का स्टीकर ही है जिसको कार पर अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसे अप्लाई करने के लिए हमें केवल ये पीछे का वाइट पेपर हटाकर और इस पिन स्ट्राइप को कार पर अप्लाई करना होता है और फिर जो ये ट्रांसपेरेंट फिल्म है ये हटा लेते हैं तो रेसिंग स्ट्राइप्स कार पर अप्लाई हो जाती हैं। इस रेसिंग स्ट्राइप्स की लेंथ है 1.2 मीटर जो कि हमारी कार के बोनेट को आराम से कवर कर लेगी। तो जो डिज़ाइन में मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ अपनी कार पर ये उसके लिए लग पूरी इनफ रहेगी मेरे हिसाब से। देख लेते हैं कि कितनी लंबी है ये और ये हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो रेसिंग स्ट्राइप्स को अप्लाई करने के लिए पहले बोनट को क्लीन करना है और प्रिपेयर करना है क्योंकि बोनट पर काफ़ी धूल और ये वाटर स्पॉट्स बने हुए हैं तो इसको मैं क्लीन कर देने वाला हूँ। तो चलिए एक माइक्रोफाइबर टॉवल से बोनट पर जमी डस्ट हटा लेते हैं। तो डस्ट हटाने के बाद भी काफ़ी सारे स्पॉट्स बने हुए हैं इस पर, ये देखिए ये और एक ये और काफ़ी सारे वाटर स्पॉट भी बने हुए हैं। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। तो स्टिकर लगाने से पहले हमें इनको करना है क्लीन, तो चलिए करते हैं क्लीन इनको। तो बोनट पर से बाकी सारे स्पॉट्स हटाने के लिए हम करेंगे 3M शैम्पू का यूज़। चलिए निकाल लेते हैं हम इसको अपने ग्लास में। तो केवल हमें बोनट ही साफ करना है तो मेरे हिसाब से इतना शैम्पू ठीक रहेगा। अब इसमें पानी मिला लेते हैं हम। अब इसे देख के आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। अब ये डाल लेते हैं हम अपने माइक्रोफाइबर टॉवल पर और हल्के हाथों से केवल बोनट को शैम्पू से सोक करना है। चलिए कर लेते हैं। अब जरूरत बोनट को रिंस करने की, तो चलिए कर लेते हैं। इसको क्लीन करने के बाद अब हम कर लेते हैं इसको ड्राई। माइक्रोफाइबर टॉवल को यूज़ करने से पहले उसको इस तरीके से झटक लेना चाहिए ताकि उसमें अगर कोई धूल के कण और डस्ट वगैरह हो तो वो हट जाए और गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना आए। तो जल्दी से बोनट को कर लेते हैं हम ड्राई। अब हम एक क्लीनर का यूज़ करने वाले हैं ताकि बोनट पर अगर कोई भी ऑयली या स्टिकी कोई चीज़ रह गई हो तो वो भी क्लीन हो जाए। तो इसे बोनट पर हम बिल्कुल लाइट प्रेशर पर यूज़ करेंगे और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में। तो अब कार की सरफेस बिल्कुल रेडी है स्टिकर लगाने के लिए। तो पहले मैं लगाऊंगा ऊपर साइड और फिर नीचे साइड अप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस इमेज के जैसे ही हम अपनी कार पर भी रेसिंग स्ट्राइप्स अप्लाई करने वाले हैं। तो हेडलाइट के कॉर्नर से होते हुए ये मैं बोनट पर सीधा ऐसे अप्लाई करने वाला हूँ इस तरीके से। तो इसको मेज़र करके पहले काट लेते हैं जो पहला पार्ट हम अप्लाई करने वाले हैं और इसको अंदर फोल्ड कर दूंगा मैं, दूसरा पार्ट यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले पार्ट में हम मेन हुड पर ही रेसिंग स्ट्राइप्स अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है उससे थोड़ा बड़ा पार्ट एक हम काट लेते हैं। लगाने से पहले माइक्रोफाइबर टॉवल का एक क्विक वाइप। तो ये जो रिंकल्स इस पर रेसिंग स्ट्राइप्स पर दिख रहे हैं वो अप्लाई करने के बाद गायब हो जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए हम इसका जो वाइट पेपर है उसको थोड़ा सा पील कर लेते हैं लगभग 3 से 4 इंच और इसको ऊपर बोनट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चिपका देते हैं और ठीक तरीके से अलाइन कर लेते हैं। तो रेसिंग स्ट्राइप्स को अप्लाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ एक शॉपिंग कार्ट का यूज़। आप चाहे तो कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है पुश करने में आसानी होती है इसको, तो मैं इसको गैप्स में पुश कर देता हूँ ताकि ये ठीक तरीके से लग जाए इसमें। तो अब थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं अपनी। तो ये जो ट्रांसपेरेंट फिल्म रेसिंग स्ट्राइप्स के ऊपर लगी हुई है इसको निकालने से पहले ही हमें सारे बबल इसके निकाल देने हैं, वरना इसको निकालने के बाद इसको बबल निकालने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ये जो हिस्सा बचा है इसको हम कर देंगे इसके नीचे फोल्ड ताकि हमें इसको काटने की जरूरत ना पड़े। मैंने कर दिया है वो बचा हुआ हिस्से को फोल्ड इसके अंदर और मैं आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ।
ये रहा, इसको नीचे मैंने फोल्ड कर दिया। ऊपर के एक्स्ट्रा पार्ट को पेपर कटर से हटा देते हैं। अब तो अब आ रही है पूरे प्रोसेस की सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट की, जो कि है इस ट्रांसपेरेंट फिल्म को रेसिंग स्ट्राइप्स पर से हटाना। तो ये ग्लॉसी टाइप की रेसिंग स्ट्राइप्स है जो बिल्कुल एक्चुअल पेंट के जैसे लगती हैं। अब ये बोनट को उठाकर भी मैं नीचे से इसके निकाल लेता हूँ ये पूरी फिल्म, और इसको ठीक से दबा देता हूँ ठीक से, और फोल्ड कर देता हूँ इसको। तो हमने प्रोसेस का सबसे बड़ा पार्ट खत्म कर लिया है, अब बाकी छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो इस पार्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं कट। तो मैं इसको मेजर कर लेता हूँ और काट लेता हूँ इसको एक छोटे पीस में। तो अब मैंने इसे कट कर लिया है और अब इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पर। मैंने रेसिंग स्ट्राइप्स के छोटे से हिस्से को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि ये कर्व्ड एरिया पर अप्लाई करने में आसानी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड ड्राइव सेफ।